नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, हर दल अपने अपने ढंग से जनता का समर्थन दोस्तों मांगता है, लेकिन दिल्ली चुनाव में मर्यादा के दायरे टूट चुके हैं, जिम्मेदारी का भाव खत्म हो चुका है और नेता मान चुके हैं कि वोट के लिए कुछ भी करेगा। बीजेपी के मंत्री और सांसद तो सारी हदें तोड़ चुके हैं। पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा तो खुलेआम वोट के लिए मस्जिदों को तोड़ देने, CAA विरोधियों को खदेड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए नोट कर लिया, अब क्या करना है? ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। चलिए ये भी मान लिया, अब आगे क्या? ये देश की अस्मिता एकता का चुनाव है। राष्ट्रीय एकता के लिए बड़े फिक्रमंद नजर आ रहे थे बीजेपी के MP साहब। इतने फिक्रमंद कि हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा को वोट की भूख में कुचलने लगे, और एक बार में नहीं कुचला, वो किश्तों में इसका मजा ले रहे थे। तो मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो समझिए, बीजेपी ने ऐलान भले न किया हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन प्रवेश वर्मा मानकर चल रहे हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीती तो प्रदेश अध्यक्ष होंगे मनोज तिवारी, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। तो क्या करेंगे बीजेपी के MP साहब, जरा गौर से सुनिएगा। अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। जनता भ्रम में थी कि वर्मा जी स्कूल की बात करेंगे, अस्पताल की बात करेंगे, रोटी रोजगार की बात करेंगे, लेकिन वो हिंदुत्व के जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बनने का इरादा पाल कर बैठे। एक महीने का समय मुझे दे देना, मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा, सारी मस्जिद हटा देना। शाहीन बाग के बहाने चुनाव को किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान में बदलने पर आमादा नेता रोज जहर उगल रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा को मस्जिदों को जमींदोज करना काफी नहीं लगा, वो नागरिकता कानून के खिलाफ लोगों के हौसले को भी पुलिस के बूटों के दम पर जमींदोज कर देना चाहते हैं। 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर शाहीन बाग के अगर आपको एक भी आदमी ने देगा तो मैं भी यहीं और आप भी नहीं। प्रवेश वर्मा भाईचारे में आग लगाने के लिए बेचैन हो उठे। दिल्ली की हवा में वो एक ऐसी दहशत घोल देना चाहते हैं जिससे दो समुदायों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे, इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। मतलब मोदी जी के प्रधानमंत्री बन जाने से देश की बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, अमित शाह के गृह मंत्री बन जाने से भी देश की बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। बीजेपी खुलेआम ऐलान कर रही है कि अगर दिल्ली का चुनाव वो हार गई तो मोदी और शाह बेटियों को नहीं बचाने वाले। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े वायदे क्या हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं, मस्जिदें गिराई जाएंगी। भयानक बेरोजगारी नहीं, शाहीन बाग के लोगों को पीटेंगे। गिरती अर्थव्यवस्था नहीं, गद्दारों को गोली मार देंगे। महिला सुरक्षा नहीं, मोदी शाह ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर इस तरीके का बयान देता है, निंदनीय तो है ही, लेकिन इससे उसकी नॉलेज पे भी सवालिया निशान लग जाता है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बनने लायक है भी कि नहीं है। उसे यही नहीं मालूम कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली की पुलिस अमित शाह के अंडर आती है। आज ये आग दिल्ली के एक शाहीन बाग में लग गई है, कल ये आग दिल्ली के और कोनों में लग सकती है। मैं तो केवल जनता को ये चेता रहा हूँ, उनको जगा रहा हूँ कि इस आग को और मत बढ़ने देना। देखते ही देखते दिल्ली के शांत पड़े आम चुनाव में जहर भी घुल चुका है और आग भी लग चुकी है।
केजरीवाल के साथ कठिन मुकाबले को बीजेपी ने जिस दिशा में मोड़ दिया है वहां से तस्वीर दूसरी नजर आती है। आज तक प्रवेश वर्मा अकेले नहीं हैं, वो तो तब भी केवल सांसद हैं। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तो अपने समर्थकों को कत्लेआम की सुपारी दे रहे थे। उन्होंने पहले नारा लगाया और फिर गोली मार देने की बात पूरी कर दी उनके समर्थकों ने। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस तो जारी किया लेकिन इससे बीजेपी संभली नहीं है, उसके नेताओं में नीचे गिरने की होड़ लग गई है। शाहीन बाग से नफरत में नेता अब जूते मारने तक उतर आए हैं। देश के गद्दारों को गद्दारों के साथ निकट संबंध स्थापित करते नरेंद्र मोदी सरकार के इस नगीने को तो आपने सुना ही होगा। देश भर में बदनामी करने का काम करते हैं। इन दिनों नाम खिला हुआ है। आजकल भारत के मंत्री लोग सहोदर संबंधों को लेकर गालियां बहुत जोरदार देते हैं। देश के गद्दारों को अनुराग ठाकुर ने बहुत संघर्ष करके ऐसी भाषा सीखी। ईश्वर की कृपा से चार बार के सांसद हैं। देवभूमि हिमाचल के हमीरपुर की जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी ने उनकी योग्यताओं का उचित सम्मान करते हुए मंत्री भी बनाया है, तो न चाहते हुए भी संस्कारी हो ही जाते। देश के गद्दारों को चुनाव आयोग ने मंत्री जी को नोटिस भेज दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा, अनुराग बाबू का भाषा के साथ ये अनुराग स्वाभाविक है या उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली है, तो मनोज तिवारी की मासूमियत जान ले लेने वाली थी। ये भारत में जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन आपस में प्रेम से रहते हैं, वहां आप इस्लामोफोबिया का डर दिखा रहे हो? ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार की नफरत की भाषा फैला रहे हैं? और जब आप ऐसे फैलाओगे तो जनता फिर उसका जवाब देगी, कुछ नारों से देगी, कुछ 8 फरवरी को वोट करके देगी। सोचिए जनता भी कितनी कमाल की चीज होती है कि प्रवेश वर्मा कह रहे हैं हमको जनता को खदेड़ने के लिए वोट दो, मनोज तिवारी कह रहे हैं मंत्री जनता के लिए गाली गलौज कर रहे हैं, और रमेश बिधुड़ी कह रहे हैं हम जीत गए तो जनता को जूते मारे। और ये जो दंगाई शाहीनबाग के अंदर बैठे हुए हैं कि 8 तारीख को जैसे ही कमल का बटन दबेगा ये अपने आप उठ जाएंगे, और केजरीवाल साहब सत्ता से बाहर होगा तो शासन प्रशासन अपना काम करते हुए अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो जूत मार कर इनको यहां से उठाया जाएगा। बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि शाहीन बाग दरअसल इसी देश में बसा हुआ एक ऐसा हिस्सा है जहां देशद्रोही बैठे हुए हैं और जिन्हें जूते मारे जाने की, गोली मारे जाने की, पीटे जाने की जरूरत है। शाहीन बाग अब दिल्ली का एक मोहल्ला नहीं है, शाहीन बाग एक भूगोल का टुकड़ा नहीं है, शाहीन बाग एक विचार है जहां भारत के झंडे और भारत के संविधान का कवर है और भारत के तोड़ने वालों को मंच दिया जाता है। मतलब दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास, एनआईए बीजेपी की मुट्ठी में, सीबीआई बीजेपी के पास, आईबी बीजेपी के पास, लेकिन वो सिद्ध करना चाहती है कि ये सारी एजेंसियां शाहीन बाग के आंदोलनकारियों के आगे निकम्मी हो गई हैं और बीजेपी उनके निकम्मेपन का बदला लेने के लिए दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है। शाहीन बाग को एक मोहरा बना दिया है और उसी मोहरे के सहारे देश में असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, और जो 1947 के पहले की स्थिति थी भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। हाथ तिरंगा मन में दंगा अमन चैन को डसने वाला मैं जहरीला नाग हूँ, हाँ मैं शाहीन बाग हूँ। दरअसल दिल्ली के चुनाव में आग लगाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, और जो हैरानी की बात है वो ये कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस मामले में कपिल मिश्रा के पीछे पीछे चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर पाकिस्तान खड़ा करके चुनाव लड़ना चाहते हो क्योंकि आपने 5 साल कोई काम नहीं किया, और आपको ये नहीं पता है कि अगर आप पाकिस्तान खड़ा करोगे तो हिंदुस्तान खड़ा होगा, और यही मैंने बोला है, अगर आप पाकिस्तान खड़ा करोगे तो 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा।
अमित शाह ने इस मामले में कपिल मिश्रा को गुरु बना लिया। उन्होंने समझ लिया कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली और महंगाई जैसे तमाम सवालों से चेहरा छिपाना है तो शाहीन बाग से नफरत का एक विमर्श खड़ा करना होगा। सिर्फ बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। इसके बाद तो लाइन लग गई। खुद अमित शाह ने हर भाषण में शाहीन बाग को दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। चुनाव में खड़े किए जा रहे हिंदू मुसलमान के विमर्श के बीच कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, क्या बीजेपी इससे ज्यादा बिजली मुफ्त करेगी? अमित शाह इस पर कुछ नहीं कहते। दिल्ली में 666 लीटर पानी रोज मुफ्त है, क्या बीजेपी इससे ज्यादा पानी मुफ्त देगी? इस पर अमित शाह कुछ नहीं कहते। आपने स्कूल का एक मॉडल दिया है, क्या बीजेपी स्कूलों को इससे बेहतर बनाएगी? इस पर अमित शाह कुछ नहीं कहते। दिल्ली के नागरिकों को अस्पतालों में असीमित जांच मुफ्त है, क्या बीजेपी इससे बेहतर इलाज देने वाली है? इस पर अमित शाह कुछ नहीं कहते। हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है। तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में लगे हैं। आखिर किसके हितों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग? दिल्ली की जनता अब बुरी तरह उहापोह में है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई को अपनी जिंदगी के लिए जरूरी माने या नागरिकता कानून के खिलाफ तने शाहीन बाग के लोगों को कुचलने को। आज तक ब्यूरो। केवल सांसद और मंत्री ही दिल्ली चुनाव की फिजा बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़े। एनसीसी के एक समारोह में उनका भाषण इसी पर सीमित रहा। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान को 10 से 12 दिन में धूल चटा सकते हैं। तो जाहिर है नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट्स के बीच थे जरूर, लेकिन उनके जहन में दिल्ली का विधानसभा चुनाव था। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे 3-3 युद्ध हार चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। पाकिस्तान में इन बेटियों पर जो जुल्म होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनका अपहरण होता है, इन सबको क्यों जुटलाने पर तुले हुए हैं? कश्मीर भारत की मुकुटमणि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठी में पढ़ने वाले, सातवीं में पढ़ने वाले, आठवीं, नौवीं, दसवीं, बारहवीं में पढ़ने वाले एनसीसी के कैडेट्स के सामने अपनी सरकार की कामयाबियां गिना रहे थे और साथ में प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी प्राथमिकताएं भी। कि हमारा पड़ोसी देश हमसे 3-3 युद्ध हार चुका है, हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। पीएम मोदी दिल्ली में खड़े होकर पाकिस्तान के आसपास घूम रहे थे। चंद लम्हों के लिए वो असम बोडोलैंड की तरफ गए भी तो फौरन पाकिस्तान की ओर लौट आए। ये वही लोग हैं जिन लोगों को पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचार दिखाई नहीं देता। ये लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भागकर भारत आए हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे दलित भाई बहन हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे किसी मुद्दे का गलती से भी जिक्र नहीं किया जिसका इस देश की सामान्य जनता की जिंदगी से सीधा वास्ता है और जिससे उसकी जिंदगी पर फर्क पड़ता है। मसलन, जरा सुनिए वो 10 मुद्दे जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते। एक, जीडीपी 11 साल के न्यूनतम स्तर की ओर है, पीएम मोदी ने इस पर कोई बात नहीं की। दो, लगातार 6 तिमाही से विकास दर गिरती जा रही है, पीएम मोदी ने इस पर कोई बात नहीं की। तीन, खुदरा महंगाई दर 5.5 साल के उच्चतम स्तर पर है, पीएम मोदी ने इस पर कोई बात नहीं की। चार, पिछले साल बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, पीएम मोदी ने इस पर कोई बात नहीं की। पांच,
पांच साल में सात क्षेत्रों में 3,64,00,000 लोग बेरोजगार हो गए, पीएम मोदी ने इस पर कोई बात नहीं की। 6, निर्माण विकास दर 15 साल के न्यूनतम स्तर पर है, पीएम मोदी ने इस पर कोई बात नहीं की। 7, कारोबारी निवेश 10% से घटकर 1% पर आ गया, पीएम मोदी ने इस पर कोई बात नहीं की। 8, 3 साल में भारत में भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, पीएम मोदी ने इस पर कोई बात नहीं की। 9, भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में और नीचे चला गया, पीएम मोदी ने इस पर कोई बात नहीं की। और 10, खेती किसानी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, पीएम मोदी ने इस पर भी कोई बात नहीं की। और जब हमारे युवा प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, आप बताइए आपने हिंदुस्तान का रेपुटेशन पूरी दुनिया में क्यों खत्म किया, प्रधानमंत्री ने इसका जवाब पहले ही दे दिया था कि वो वही करते हैं जो देश की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है। जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, बातें फैलाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, वो जरा समझ रहे हैं, मोदी अपनी प्रतिष्ठा के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी के लिए देश की प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलने के लिए एनसीसी के कैडेट्स के समारोह को चुना था, विपक्ष को हमलावर होना ही था। दिल्ली चुनाव का रंग अब चढ़ना शुरू हुआ है, धीरे धीरे ये और गाढ़ा होगा, और जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा, नेताओं के एक दूसरे में आदर सम्मान मर्यादा के और भी आयाम खुलेंगे। आज तक ब्यूरो। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई पर सिमट कर रह गया है, तो कांग्रेस वोट के लिए क्या करे। राहुल गांधी जयपुर में थे, युवा आक्रोश रैली में उन्होंने नागरिकता कानून को विमर्श को बदलने की कोशिश की। उन्होंने सीएए और एनआरसी के बजाय बेरोजगारी और डूबती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। बीजेपी इससे नाराज हो गई। हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार देश में हिंसा फैला रही, हमारे करोड़ों युवा। गुलाबी शहर का मौसम भी गुलाबी था, हवा में न ज्यादा सर्दी थी न ज्यादा गर्मी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने अपने भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी को अपना मेहमान बनाया था, नौजवानों के आक्रोश की आवाज बनने के लिए। हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार देश में हिंसा फैला रही है, एक्शन के लिए। दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स के बीच पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कामयाबियों का ढिंढोरा पीटकर प्रधानमंत्री ठीक उसी वक्त फारिग हुए थे और राहुल गांधी ने उसे लपक लिया। बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से नजरें चुराने पर उन्होंने पीएम मोदी को घेर लिया। पिछले साल हिंदुस्तान में 1,00,00,000 युवाओं ने रोजगार खोया है। फिर से दोहरा देता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 2,00,00,000 युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, पिछले साल 1,00,00,000 युवाओं ने इस देश में रोजगार खोया है। राहुल गांधी बहुत लंबे समय से जनता के बीच से अदृश्य थे। झारखंड के चुनाव में भी उनकी सक्रियता बेहद सीमित थी और कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें फिर से पार्टी के केंद्र में लाने के लिए किसी मौके की खोज हो रही। माना जा रहा है कि जयपुर की युवा आक्रोश रैली उसी कोशिश की एक कड़ी है। यूपीए के समय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 9% हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट थी, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रहा, और आज नए तरीके से नापा जाता है, जीडीपी नए तरीके से नापे जाती है, तब 5% ग्रोथ है। अगर इसी नहीं करते हो, राहुल गांधी युवा आक्रोश रैली में बीजेपी के हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग रोजगार, भ्रष्टाचार, खेती किसानी में सरकार के नाकाम हो जाने की डुगडुगी पीट रहे हैं। इसके शोर ने बीजेपी को बेचैन कर दिया। राहुल गांधी का रोना धोना जो है वो
उनकी उनके माताजी की उनके पार्टी के कुछ लोगों के जॉब चले गए 6 साल पहले और वो वापस मिलने की संभावना नहीं है। इसके लिए वो जो अपनी खुद की रोजगारी पर रो रहे हैं। कुल मिलाकर युवा आक्रोश रैली की कहानी ये है कि कांग्रेस मान चुकी है नागरिकता कानून और एनआरसी पर वो पिछड़ रही है और पार्टी को इसे छोड़कर महंगाई बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर बात करनी चाहिए। बोलना चाहिए था उनको, इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए और कुछ करना भी चाहिए, प्रोटेस्ट में भी उनको हिस्सा लेना चाहिए। लोगों में इतना आक्रोश है एनआरसी सीआरसी को लेकर तो एक लाइन जरूर बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने सीएए और एनआरसी के विमर्श को बदलने का जोखिम तो लिया है, लेकिन ये दांव कहीं उसकी जमी जमाई जमीन की कीमत तो नहीं वसूल लेगा। दरअसल सीएए और एनआरसी को लेकर जिस तरह से बीजेपी भावनात्मक कार्ड खेल रही है, कांग्रेस के अंदर एक बेचैनी है और कांग्रेस चाहती है कि युवाओं का आक्रोश जाया न हो बल्कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर कांग्रेस आंदोलन करे और देश के युवा कांग्रेस के साथ जुड़ें। यही वजह है कि बड़ी चालाकी से राहुल गांधी ने सीएए एनआरसी के मुद्दे को अपने से दूर रखा और पूरा फोकस महंगाई और बेरोजगारी पर किया। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। राजनीति भी दोस्तों कमाल की चीज होती है, वो अपराधों के चरित्र बदल दिया करती है। अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस इसे अपनी तेजी और जीत बता रही है और इसके लिए अपनी पेट भी ठोक रही है, लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं देती कि 23 दिन से जेएनयू में घुसकर हमला बोलने वाले नकाबपोश कहां हैं। आप देश की सरकार हैं, आपको उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए और अगर वो व्यक्ति अरेस्ट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये शक जाता है कि कहीं इस तरह की बयानबाजी दिलवा के आप ही देश का माहौल तो खराब नहीं कर रहे हैं। दिल्ली का चुनाव चल रहा है। गृह मंत्री ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की इस चुनौती को बेहद गंभीरता से ले लिया। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें पटना, दिल्ली, मुंबई और जहानाबाद में घूमने लगी और 48 घंटे के भीतर अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाला शर्जील इमाम पकड़ा गया। शर्जील इमाम को उसके गांव काको, जिला जहानाबाद, मलिक टोला, वहां से डिटेन किया और फॉर्मली फिर हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। फिलहाल इसको हम लोग वहां कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास पेश करके इसकी ट्रांजिट डिमांड ले रहे हैं। शर्जील की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हुई और तमाशा भी। दिल्ली पुलिस अपनी पीठ ठोक रही है कि हमने उसे गिरफ्तार किया और शर्जील के वकील कह रहे हैं कि उसने आत्मसमर्पण किया है। ये महिला थाना है गर्दनीबाग का और यहीं पर शर्जील इमाम को अभी लेकर दिल्ली पुलिस की टीम अंदर गई है और बताया यही जा रहा है, क्योंकि रात के वक्त कोई भी फ्लाइट नहीं है पटना से दिल्ली जाने के लिए। ऐसे में रात भर शर्जील इमाम को इसी गर्दनीबाग महिला थाने में ही रखा जाएगा जहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। बीजेपी की बांछे खेल उठी। उसने बिना देरी शर्जील की गिरफ्तारी की चादर को दिल्ली में वोट के लिए पसार दिया। शर्जील को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फाइल कब तक कुंडली दबा के केजरीवाल रहोगे? कब तक आपकी जुबान शाहीन बाग और शर्जील के पक्ष में खड़ा रहेगा? अब शर्जील का मामला यहीं छोड़िए, दिल्ली पुलिस की फुर्ती पर आते हैं। पुलिस ने शर्जील के मामले में गजब का काम किया है, लेकिन 23 दिन पुराने एक दृश्य को याद कीजिए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चोरी से घुसे दहशतगर्दों ने अपना आतंक कायम किया था और वो भी सरे शाम। इस दहशतगर्दी में खुद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्यों का नाम लिया था, लेकिन 23 दिन बाद भी जेएनयू में दहशतगर्दी करने वाले आजाद घूम रहे हैं। 5 एफआईआर तो हुई, लेकिन कार्रवाई किसी में कुछ नहीं हुई। हमले का व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले नंबर साफ साफ होने के बावजूद दिल्ली पुलिस को नहीं मिले। स्टिंग ऑपरेशन तक में हमला स्वीकार करने वाले हमलावर आजाद हैं। हमलावरों ने दिल्ली पुलिस के नोटिस को हवा में उड़ा दिया। अब शर्जील को ट्रांजिट रिमांड पर जहानाबाद से दिल्ली लाया जा रहा है, लेकिन वो जेएनयू के हमलावरों को कब पकड़ेगी?
जामिया की लाइब्रेरी और गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर गुंडागर्दी करने वालों के चेहरे से कब नकाब नोचेगी? इस सवाल से दिल्ली पुलिस भाग रही। आज तक पाकिस्तान से सिर्फ आतंकी ही नहीं आते, बल्कि राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों टिड्डियों का हमला हो रहा है। जैसलमेर से जो तस्वीर आई है, वहां लाखों टिड्डियां आसमान में छा गई हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक घंटे के लिए एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा। ये पाकिस्तान से आए टिड्डियों के झुंड का सबसे ताजा हमला है। जैसलमेर के आसमान में मानो टिड्डियों की फौज का कब्जा ही हो गया हो। पूरे एक घंटे तक शहर के ऊपर से टिड्डियों का दल गुजरता रहा, लाखों की तादाद, इतनी कि अगर खेत पर टूट पड़े तो कुछ घंटे में ही फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर जाए। लोग इन टिड्डियों को देखने के लिए घरों से बाहर निकल आए, सड़क से गुजरने वाले ठिठक गए। करीब एक घंटे तक टिड्डियों का दल शहर पर मंडराता रहा। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय वायुसेना ने करीब एक घंटे तक जैसलमेर एयरबेस से अपनी उड़ान रोक दी। ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया था। जैसलमेर में टिड्डी दल के हमले से प्रशासन हरकत में आ गया। आनंद फानन में सूबे के टिड्डी विभाग को चौकस किया गया। डीसी के मुताबिक अफसरों की टीम टिड्डियों को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रही है। टिड्डियां हवा के बहाव के हिसाब से अपनी उड़ान की दिशा तय करती है। इनका हमला फसलों पर होता है, पूरी की पूरी खेत चट कर सकते हैं, वो भी इतनी तेजी से कि किसान हाथ मलते रह जाए। यही वजह है कि अफसर परेशान हैं। किसानों के चेहरे पर दहशत देखी जा रही है। पाकिस्तान की सीमा से करीब 30 साल के बाद टिड्डियों का ऐसा हमला हुआ है। जानकारों के मुताबिक टिड्डियों का एक छोटा दल एक दिन में 2500 लोगों के बराबर खाना खा लेता है। ये पत्ते, फूल, बीज, तनों की खाल सब चट कर जाते हैं। ऐसे में किसानों को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ आज तक ब्यूरो। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।